दिस इज एप्लीकेशन फॉर एंटी सेपरेटली बेल माय लॉर्ड ऑफेंस अंडर सेक्शन 341 जोर से बोलिए पिटिशनर केम एंड आस्क नहीं समझा क्या बोल रहे हैं पढ़िए एफआईआर पढ़िए हुजूर इनके ऊपर इल्जाम है कि एफआईआर पढ़िए जब एक लाइन में नहीं बता सके तो एफआईआर ही पढ़िए निवेदन पूर्वक कहना है उन लोगों के द्वारा उनके साथ भी गाली गलौज कर ये सब केस में आप सरेंडर करके बेल लीजिए माय लॉर्ड हमारे ऊपर हुजूर कुछ स्पेसिफिक नहीं है और शुरुआत हुई है जी और ड्यूरिंग एक चीज है उसमें कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दिस बेल पिटीशन गुड सेंस हैज बीन डेवलप बिटवीन द पार्टी एंड दे हैव फाइल आपने डराकर उससे करवा लिया है साहब ठंडा और नहीं हुजूर है का कि दुकानदार से हमारे घर के नहीं देता है पैसे मांगता है तो आप उसे मारते हैं नहीं हुजूर ये सब रंगदारी वो दूसरे सबसे किया था गरीब गुमती वाले से रंगदारी करेंगे हमारे घर और दोनों अगल बगल में मेरे घर के जस्ट बगल में ही दुकान खोले हुए हैं कैसे समझेंगे कि आपको दूसरी डिस्प्यूट है ये झूठ बोला है ये तो कोई बात नहीं हुई और हम हुजूर रात के 2 बजे कोई डिस्प्यूट होता नहीं है आप जरूर ठंडा मांगे होंगे दुकानदार से नहीं उसने कहा पैसे दीजिए तो आपने माथा फोड़ दिया उसका और ये इस तरह के पेटी केस में मैं एंटीसिपेटरी बेल क्यों ग्रांट करूं सरेंडर करिए बेल हो जाएगा पेटी केसेस में बेल सब अवेलेबल होगा बेल एक ही हुजूर है 379 हुजूर 379 इज नॉट मेड आउट सरेंडर करिए ये सब बेकार का केस है Without being prejudiced by the fact that the present petition on his behalf has not been entertained. तो ये मैं बेल ही लिखाया लेकिन वहाँ जाकर सरेंडर कर